नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जड़ी बूटी परिवार का ये प्रयास है कि सबसे आसान लफ्ज़ों में आप तक कैसे आयुर्वेद को पहुंचाया जाए। वो भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे सब लोग समझ सकें। आप ये भी समझें कि हमारा शरीर किस तरीके से काम करता है, और जैसा कि हम आपको हमेशा से कहते आए हैं कि दवाई से पहले, जड़ी बूटी से पहले हमारा खान पान औषधि का काम करता है। यदि हम सिर्फ अपना खान पान ठीक रखते हैं तो हम कई सारी बीमारियों से अपने आप ही दूर हो जाते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि जो हमारी जीभ या जिह्वा है उसके माध्यम से भी हम कितने सारे रोगों से बच सकते हैं। दोस्तों, जो भी कुछ हम भोजन खाते हैं उसमें आयुर्वेद के हिसाब से 6 अलग अलग रस होते हैं। यहाँ पे आप रस को किसी तरीके का जूस ना समझें, जो वो अलग अलग टेस्ट होते हैं उन 6 टेस्ट को आयुर्वेद में रस कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूँ आपका जड़ी बूटी परिवार में। तो दोस्तों, आयुर्वेद ने इन रसों को, इन जूसेस को, इन टेस्ट को, बेसिकली इन्हें टेस्ट कहना ज़्यादा आसान होगा या समझने के लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो इन 6 अलग अलग टेस्ट को पहचाना है, इन सब को हमें एक समान मात्रा में या बैलेंस मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है नित्य सर्व रसाभ्यास, अर्थात हमें रेगुलर, अपने रेगुलर मील में इन सारे के सारे 6 रसों का, 6 टेस्ट या जूसेस का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी बैलेंस रहती है और साथ ही साथ हम अनेक तरीके के रोगों से दूर रहते हैं। अब ये 6 रस कौन कौन से हैं, इसमें से लगभग आप सारे ही रस जानते होंगे। ये 6 रस हैं मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तीक्त और कषाय। अब ये भाषा थोड़ी सी टिपिकल हो गई तो हम इसे एक एक करके आपको अलग बता देते हैं। तो दोस्तों, ये 6 रस होते हैं मीठा, खट्टा, नमक, तीखा, कड़वा और कसैला। तो दोस्तों, ये जो रस हैं ये हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से त्रिदोष का जिक्र आपने कई जगह सुना होगा, जिसने वात, पित्त और कफ दोष कहते हैं। तो अब ये कौन सा रस किस प्रकृति के मनुष्य के लिए अच्छा होता है, इसको समझने का एक साधारण सा सूत्र मैं आपको बताता हूँ। अगर हम बात करें मीठा, खट्टा और नमक, ये जो 3 रस हैं, ये 3 स्वाद हैं, ये वात प्रकृति के लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। वात प्रकृति को पहचानने के लिए एक सबसे आसान उपाय भी मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग जो हमेशा जल्दी में रहते हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा पतले दुबले होते हैं, आमतौर पर वो लोग वात से ग्रसित रहते हैं। तो इन सारे लोगों के लिए मीठा, खट्टा और नमक, ये 3 जो रस हैं वो बेहतरीन हैं, उनको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें कफ प्रवृत्ति के लोगों के लिए, तो उन लोगों के लिए कड़वा, तीखा और कसैला, या जिसे हम बकबका कहते हैं, इन ये 3 रस सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उन्हें इसका सेवन करना चाहिए। और सबसे बाद में आते हैं वो लोग जो पित्त प्रकृति के हैं, उनके लिए मीठा, कड़वा और कसैला, यानी कि पहला और 5वां 6ठा, ये 3 रस बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। हम अपनी इस सीरीज़ में एक एक करके इन सारे ही रसों को कवर करेंगे, आपको ये बताएंगे कि ये किस किस बीमारियों को ठीक करने में आपके लिए हेल्पफुल है, किस तरीके से आपको ये बैलेंस करते हैं, इनकी अगर आपके शरीर में कमी है तो आपको क्या नुकसान होंगे, या फिर अगर आप इन्हें आवश्यकता से अधिक खाते हैं तो आप किन किन बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, आपकी प्रकृति में, आपके आसपास मौजूद किन किन चीज़ों में कौन कौन से रस पाए जाते हैं, इस सब का हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी आने वाली हर एक वीडियो में। दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये नया प्रयास जो आपको ये बताने के लिए है कि आयुर्वेद में उल्लेखित 6 रस किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रयास पसंद आता है तो आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।